आज मेरे को गैस कबाड़ में मिला है ये कमाल का एक स्टीरियो एम्पलीफायर। चलता होगा या नहीं चलता होगा ये तो मेरे को नहीं पता। आज हम इसको देखने वाले कि चलेगा या नहीं चलेगा एंड साथ ही साथ हम इसको तोड़ फोड़ के भी देखने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो ब्लॉग के अंदर बने हैं ना। एंड हेलो गैस, तो मेरे कैसे आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे। एंड वेलकम आपका हमारे कोताजनी फ्रेश ब्लॉग के अंदर। बहुत मजा रहने वाला ब्लॉग ये, और ये मेरे को कितने का मिला ये आपको सब बताऊंगा ब्लॉग के अंदर, बने रहना भाई। सब पहले आपको फ्रंट इसका लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम का यहाँ पे पता नहीं 2000 लिख रखा है, इसका मतलब पता नहीं क्या IR लिख रखा है, डिजिटल FM USB माइक प्लेयर। यहाँ पे बेस का ट्रेबल का USB, ऊपर में TON लिख रखा है डिजिटल USB कार्ड वैन ये वो फलाना ढिम का पीछे विद ऑक्स, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर ऑक्स का ऑप्शन है, तो अगर ये चलेगा तो हम इसको ऑक्स से भी जरूर चला के देखेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। फटाफट से इसका ऑपरेशन करना चालू करते हैं हमेशा की तरह। जैसे कि आप लोगों को पता है हम कबाड़ में चीजें लाते रहते हैं, कबाड़ से चीजें लाते रहते हैं, उनको तोड़ फोड़ के देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है, एंड कभी कभी सही भी कर देते हैं। तो हाँ, अगर ये चलेगा तो मैं इसको सही भी करूंगा एंड आपको तोड़ फोड़ के भी दिखाऊंगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो लाइक दबा दो यार, फटाफट से मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा दो। तो चलो फिर अनबॉक्सिंग, मतलब अनबॉक्सिंग नहीं गई, इसकी तोड़ा फोड़ी शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कोई भी स्क्रू व्रू नहीं लग रखा, भाई साहब कबाड़ में से लाया हूं, अब ये मिल गया तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये निकल गया ढक्कन इसका, और अब यहाँ पे ना इसको दिखाने से पहले एक बार मैं थोड़ा एंगल चेंज कर लेता हूँ कैमरे का, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ अच्छे से। और हाँ, अब देखो भाई साहब, प्लस फ्लैशलाइट भी जला लेता हूँ यार, अच्छे से दिखेगा। तो ये तो मैंने आपको फ्रंट से दिखा दिया, ये एकदम मस्त काम कर रहा है देखो, एंड ये भी एकदम मस्त काम कर रहा है, एंड होप ये चल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। और ये देखो अंदर से कुछ इस टाइप का, भाई साहब मिट्टी देखो कितनी है, अब भाई साहब कबाड़ में से लाए तो मिट्टी तो निकलेगी। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक कंट्रोलर, जिसके अंदर मतलब कंट्रोलर का सर्किट, जिसके ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम का कंट्रोलर लग रखा है, साथ में स्विचेस लग रखे हैं यहाँ पे। ये देखो पता नहीं किस चीज़ का, आई थिंक हाँ ये मोड का है, ये माइनस, ये प्लस, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, सॉरी ये ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पावर का साइन है और यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे प्ले पॉज का। तो मोड का मतलब इसका मतलब आई थिंक इसके अंदर ब्लूटूथ होगा या नहीं होगा, पता नहीं, निकाल के पता चल जाएगा किट को, ठीक है। ये रहा हमारा एम्पलीफायर बोर्ड जो कि है 4440 एंड CD 4440 बोर्ड है ये, होप बढ़िया ही होगा। तो अगर ये चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, एंड मैंने आपको दिखा दिया वायर टूट रखे हैं सारे, मतलब काफी सारे वायर टूट रखे हैं आपको मैंने अंदर से दिखा दिया इसकी हालत किस टाइप से है। यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड है, यहाँ पे ये वॉल्यूम मोड बटन बटन कुछ दे रखे है उसका सर्किट है, यहाँ पे हमारा कार्ड लग रखा है, इसके अंदर ब्लूटूथ है नहीं है मेरे को नहीं पता, पता नहीं किस साइड में ब्लूटूथ का वो साइन होगा, इसको खोल के पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे अरे ये तो ऐसे ही निकल गया, इसको हम बाद में जोड़ेंगे अगर ये चल गया तो, ठीक है। पहले ये देख लेते ऑन भी हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ये ऑन होएगा ना मतलब ऑन होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगी। तो चलो पहले इसको चला के देखते हैं, मतलब ऑन करके देखते हैं, अगर ये ऑन हो गया तो फिर हम इसको सही करना चालू कर देंगे। फटाफट से ट्राइपॉड पे लगाता हूँ एंड मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ 12 वोल्ट, देखिए ठीक है। तो भाई साहब खुशखबरी ये चल गया, जी हाँ गाइस ये चल गया, तो काफी कमाल हो गया, मजा आ गया भाई साहब, बहुत खुशी हो रही है कि ये चल गया। अब पता नहीं गाने बजेंगे नहीं बजेंगे वो तो नहीं पता, एंड ये पड़ी हमारी पेटी जिसके अंदर 8 इंच 10 इंच वूफर लगा रखा है, इसको लेके चलते हैं उसके ऊपर फिर चला के देखते हैं, उसके भी कनेक्शन मैं जो ना इसके साथ कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन वायर तो छोड़ो, ये जब कार में फिटिंग होती है तब काम में आती है। ये देखो मैंने रेड और ब्लैक वायर 12 वोल्ट के अडेप्टर के अंदर लगा दी है, ये स्पीकर के दो है, मतलब स्टीरियो है तो दो स्पीकर हम इसके अंदर बजा सकते हैं। तो मैं एक बार एक ही कनेक्ट करके देख लेता हूँ, इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ गाने बज रहे हैं एंड हमारा बोर्ड ओके है, और ये ऑन हो गया ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गाइस मैंने जो ना यहाँ पे स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एम्पलीफायर के कनेक्शन सब डन है, और मैंने इसको चला के देखा तो इसके अंदर से आवाज आ रहा है, देखो यहाँ पे तो इसके अंदर से आवाज तो आ रहा है हल्का हल्का हमिंग का, बट यहाँ पे मैंने म्यूजिक चला के देखा ना तो भाई साहब नहीं बज रहा, बिल्कुल भी गाने नहीं चल रहे। यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ना ये वायर वगैरह टूट रखे, देखो ये वायर हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं इस बेस और ट्रैवल के कंट्रोलर के साथ, और यहीं से एक दूसरे के साथ कनेक्शन है लिखा, तो अपना जो कि हमारा यहाँ पे पड़ रखे है, एंड इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, एंड मैं क्या करता हूँ ना पहले कनेक्शन कर लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ सारे कनेक्शन करने के बाद। ऐसा काफी टाइम लगा,
और हालत खराब हो गई। मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मैंने क्या किया। ये किया भाई साहब, क्या कर रहे हैं यार तू भाई साहब? ये देखो, पहले सब कुछ पैक था, ये कर दिया भाई साहब। क्योंकि मतलब आप लोगों को पता है जैसा कि इसके ऊपर LED आ रही थी, मतलब LED जल रही थी ब्लू कलर की, मतलब कि ये ऑन था एंड डिस्प्ले आ रही थी, सब कुछ एकदम मस्त काम कर रहा था। बट मेन चीज साउंड, भाई साहब साउंड आ ही नहीं रहा था। मैंने काफी ट्राई करके देख लिया, बट गई जो ना हमिंग के अलावा कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था। तो भाई साहब तब मेरे को बाद में पता चला इसके पीछे में मैक्सिमम इसके कनेक्शन टूट फूट रखे थे इस जो है ना 4440 AC एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर पीछे से। तो यहाँ पे ये देखो वायर कितने ज्यादा खराब हो रखे, टूटे फूटे पड़ रखे हैं। मेरे को पता चला इसके वायर वगैरह टूटे फूट रखे हैं, कनेक्शन हट रखे हैं। तो फिर भाई साहब मैंने जब इन्हीं वायरों को यहाँ पे सर्वो के ऊपर कनेक्ट वगैरह कनेक्शन वगैरह करके देखा, तो भाई साहब एक जगह से वायर लगा रहा दूसरी जगह से टूट जा रहा, एक जगह से वायर लगा रहा दूसरी जगह से टूट रहा रहा। तो भाई साहब दिमाग खराब कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा क्यों ना इसकी सारी वायरिंग हटा देते हैं। तो फिर मैंने सारी वायरिंग हटा दी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बोर्ड की जगह, ये तो छोटू सा बोर्ड है, मैंने सोचा क्यों ना इस बोर्ड की जगह ये वाला हमारा 7297 एम्पलीफायर बोर्ड जो कि TDA7297 एम्पलीफायर बोर्ड है। ये बोर्ड का साउंड बहुत अच्छा है एंड सबसे अच्छी बात इसके अंदर चार चैनल, मतलब एक IC दो चैनल देती है, तो एक IC के ऊपर दो स्पीकर बजा सकते हैं, तो दो IC के ऊपर चार स्पीकर आराम से बजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको उठा देता हूँ। तो मान लो हमें इसको फिट करना है गाड़ी के अंदर, ठीक है, आपके पास कोई भी ख़राब पुराना ये पड़ा हुआ है तो आप कोई दूसरा एम्पलीफायर बोर्ड फिट कर सकते हो, मेरे पास ये है। तो भाई साहब ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से टेढ़ा आ जाएगा। देखो बोर्ड का साइज़ देखो आप एक हिसाब से, ठीक है, ये देखो और ये देखो। तो मैं इसको लगाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है इससे हमने एक एम्पलीफायर बोर्ड बनाया था, इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको फिट करेंगे, बट इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें यहाँ पे इसके सारे वायर्स वगैरह, मतलब ये सारे जो कंट्रोलर्स हैं ना ये हटाने पड़ेंगे और फिर वायर लगा के फिर इसके अंदर फिट करने पड़ेंगे। दो यहाँ पे लग जाएंगे बेस और ट्रैवल के लिए एंड जो वॉल्यूम क्या वो इधर लग जाएगा, ठीक है। अभी भी इसके अंदर ये कार्ड वार्ड सब कुछ लगा रखा है, ब्लूटूथ भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ब्लूटूथ भी नहीं था तो काफ़ी बेकार सा था। बट हाँ मेरे को सस्ते में मिल रहा था तो मैं उठा लाया, मेरे को बॉडी चाहिए थी मैं उठा लाया और साथ ही साथ हमें एक एम्पलीफायर बॉडी भी मिल गया। एंड कभी होगा तो मैं आपको इसको भी चला के दिखा दूंगा कभी इसके कनेक्शन करके। बट हम जो है ना इसको लगाएंगे पहले, अभी नहीं लगाएंगे, इसको लगाने में बहुत टाइम लगेगा एंड ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो चुका है काफ़ी यार। मैंने इसको आपको तोड़ फोड़ के खोल के दिखा दिया और चला के भी दिखा दिया, नहीं चला। हाँ मेरे पास ये बोर्ड ही आ चुकी है तो मैं इसको चाहूँ तो मॉडिफाई करके कार के अंदर लगा सकता हूँ। हम यहाँ पे पार्ट टू इसका मैं लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो स्टडी वगैरह भी करनी रहती है, अगर मैं इसको अभी करने लग गया तो फिर स्टडी कब करूंगा। तो चलो फिर मैं आपको जल्दी नहीं लॉक करना। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।